इंदौर की खजराना मंदिर प्रबंध समिति ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 5,11,000 की सहायता राशि दी है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह ने इसे सार्थक पहल बताया है। राम मंदिर निर्माण के लिए लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग राशि दान कर रहे हैं। शुक्रवार को खजराना मंदिर प्रबंध समिति ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 5,51,000 का दान दिया। ये इंदौर का पहला मंदिर है जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी है। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मनीष सिंह और सांसद शंकर लालवानी ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के सामने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को चेक सौंपा है। मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक ये दान राशि उन भक्तों की है जिन्होंने खजराना मंदिर में दान की थी। भक्तों की भावना को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने दान देने का फैसला लिया है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर दान कर रहे हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी आग्रह किया है कि इसी तरह से अन्य मंदिर प्रबंध समिति भी राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दे। खजराना प्रबंधन समिति की इस पहल के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अन्य संगठन और संस्था भी राम मंदिर के निर्माण के लिए जल्द ही सहायता राशि सौंपे। इस मंदिर में जितने भक्त लोग आते हैं उनकी सभी की भावना थी, इच्छा थी कि जो राम जन्मभूमि ने मंदिर निर्माण में सहयोग राशि दी जाए। उसी क्रम में जो प्रबंध समिति के सदस्यों से चर्चा की गई और सभी का ये था कि 5,101,000 रुपये इस भव्य मंदिर निर्माण तो श्री राम जी के देना चाहिए। उसी क्रम में आज ये चेक भगवान गणेश जी के सामने उनकी साक्ष्य मान के सामने उनके दिया गया है ताकि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। वहाँ भी भक्त जनों की डिमांड आ रही है रंजीत भवन मंदिर में, वहाँ अभी चर्चा करेंगे और जैसा भी निर्णय होगा वहाँ पर वहाँ से भी राशि जो है वो भेंट की जाएगी। एक्चुअली ये मंदिर में जो भी राशि आती है, दान राशि आती है, ये सब भक्तगणों की आस्था के स्वरूप में ही राशि आती है मंदिरों में, तो भक्तगणों की आस्था के तारतम्य में ही कार्रवाई की जा रही है। रंजीत भवन मंदिर से भी डिमांड आई है इस प्रकार की कि राशि भेंट करने के लिए प्रबंध समिति की ओर से। अभी वहाँ चर्चा चल रही है, निर्णय किस अमाउंट कितना अमाउंट देना है उस निर्णय के अनुसार फिर भक्तजनों की जो भी भावना होगी उसके अनुसार हम वहाँ भी कार्रवाई करेंगे।